देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस को पूरे देश में सेवा समर्पण अभियान के रूप में मनाया जा रहा है। देश के अलग अलग स्थानों पर अपने अपने ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसी तारतम्य में कवर्धा जिले के गोरखपुर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत के सभापति भावना बोहरा ने कार्यक्रम आयोजित कर दिव्यांगों को मुफ्त ट्राइसिकल का वितरण किया। इतना अच्छा अवसर मिले, आप सबके बीच बोला आए कि यहाँ सौभाग्य मिले हैं। सच में मोर पर बहुत सौभाग्य के दिन है आज की। ऐसे तो हमेशा आना होते अपन गांव में, कभी कुछ बहाने से, कभी कुछ बहाने से, कभी कपड़े छट्टी गई तभी तो कोरोना के नाम से सम्मान है, जो भी कारण से हमेशा आना होते, लेकिन आज आए के कारण बहुत दूसरा है। दूसरा एक थी कि जब हमारे घर में कपड़ो लेकर के जन्मदिन आते ना, एक महीना मिली से हमारे गाना गाया था लेकर, बहुत ही अलग अनुभव रही से जिन दिन प्रधानमंत्री जी हमारे एक नाम दिस दिव्यांग। हमेशा हम जब भी छोटे हुए, छोटे से बड़े हो, तां से हमेशा जब एक भी शब्द सुने, अगर कोई शारीरिक कोई ना समस्या रही से हमेशा हमने का शब्द सुनत रहे कि ये विकलांग है। वो विकलांग शब्द हमारे घर कहे में बहुत आसानी से कि फलाना ऐसा है, लेकिन जिन सुनत रही से जिन वाकई में अगर कोई चीज के शारीरिक रूप से कमी है, ओला शब्द की मायने उखर बहुत रही से। हमारे मोदी जी वो विकलांग शब्द ला हटा के वो केस की काबर के हर व्यक्ति, भले शारीरिक रूप से कोई कमजोर हो या थोड़ा से अगर कोई शारीरिक परेशानी है, लेकिन हर व्यक्ति में अपन आप में एक आत्मविश्वास और एक न एक हुनर जरूरी थे, एक न एक ऐसे दिव्य चीज जरूरी थे जैन होकर हुनर लाभ। शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं कमी रही से, लेकिन अगर आत्मविश्वास इतना ऊंचा ही से कि आज भारत देश के नाम पूरा विश्व में पूरा दुनिया में रोशन करे। तो एक बार मैं चाहूंगा हमारे जिन भाई बहनी मन आगे बैठे हैं और जिन हमारे माता मन पीछे बैठे, एक नाम से भी अगर हौसला बढ़ाए बार एक बार जोरदार ताली से उत्साह। ट्राइसिकल पाकर दिव्यांगों के चेहरे पर खुशी झलक उठी। भावना बोहरा ने दिव्यांगों से मिलकर उनका हालचाल भी पूछा और उन्हें जरूरत पड़ने पर हर संभव मदद पहुंचाने की भी बात कही। कार्यक्रम में भारी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों के बीच भावना बोहरा ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश के लिए किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को लोगों के बीच साझा किया। साथ ही सेवा ही संकल्प, इसी भावना से वे आगे भी लोगों के लिए काम करने की भी बात कही। नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर लाए इसे और बाद में ना भावना दीदी आए साथ में। भावना दीदी बहुत अच्छा भाषण दी, बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा लगी, मस्त था। बस क्या मदद करी से आज ट्राईसाइकिल की भी, ट्राईसाइकिल की मदद करी से पहले भी आपको अगर दिव्यांग मदद यही तो हाथ पैर है। बहुत बार हुई दीदी, बहुत बार हो रही है, लेकिन ट्राईसाइकिल आज पहली बार दी अपन हाथ से। चूँकि हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है वो है सेवा ही संगठन, तो आज उनका 71वां जन्मदिन है। भारतीय जनता पार्टी में देश में हर कोने में अपने अपने तरीके से उनका जन्म दिवस मनाया जा रहा है, तो हमारे द्वारा भी यहाँ एक छोटा सा प्रयास है। दिव्यांग जो कुछ भाई बहने हैं उनको ट्राइसिकल वितरण का, कई जगह हमने फल वितरण किया है, वैक्सीनेशन सेंटर में टीकाकरण के लिए भी लोगों को लगातार जागरूक कर रहे हैं, लेकिन आज भी एक जागरूकता अभियान चलाया है। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही है। यहाँ लगभग 10 से 11 दिव्यांग हैं जिनको ट्राइसिकल का वितरण किया। संकल्प शुरू से एक ही है, समाज सेवा, देश सेवा, बस उसी में जो भी हो सकता है छोटे छोटे प्रयास हम वो करते रहते हैं, निरंतर इन्हीं प्रयासों को लेकर आगे बढ़ेंगे। इसमें कई तरीके की समस्याएं जो हैं, जैसे लगातार राशन कार्ड की समस्या आ रही, वाकई में राशन कार्ड का काम काफ़ी दिनों से बहुत ठप पड़ा हुआ था। लगातार आवेदन इकट्ठे तो किए जा रहे हैं लेकिन उस पर कुछ कार्यवाही नहीं हो रही थी, जिससे लोग काफ़ी अभी निराश हैं। विधवा पेंशन योजना को लेकर जो घर में विधवा माता हैं जो अकेले रहती हैं उनके जीवन यापन के लिए लगातार वो चाह रही कि सरकार से उनको कुछ उसमें कुछ अनुराशि मिले उनको। इस तरह से कई छोटी छोटी योजना है, जैसे कई रोड का निर्माण की रहे हैं, कई नाले निर्माण के, ऐसे कई सारे छोटे आवेदन आ रहे हैं। देखिए जैसे रोड और नाली की मैं बात करूं तो मैं ये प्रयास मेरा रहा, क्योंकि मैं जिला पंचायत सभापति हूँ 12 नंबर से, तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि जिला प्रशासन के माध्यम से जो भी काम मैं स्वीकृत करा सकूँ प्राथमिकता वही रहेगी। बाकी जो आवेदन लगता है, अगर कोई, चूँकि मैं समाज सेवी संस्था भी चलाती हूँ, तो अगर लगता है मुझे संस्था के माध्यम से ये मैं उनकी मदद कर सकती हूँ तो निश्चित ही उसको उस माध्यम से भी किया जाएगा।